दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल नर्सरी टू फिफ्थ क्लास एडमिशन ओपन कॉन्टैक्ट 9198386809 सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पश्चिम शरीरा कोशाम्बी। निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को शुक्रवार सुबह तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया गया। साल 2012 में दिल्ली में एक बस में इन दरिंदों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड में करीब 7.25 साल के बाद इंसाफ हुआ है। तिहाड़ जेल के फांसी घर में शुक्रवार सुबह ठीक 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया, बाद में पोस्टमार्टम किया गया। 7 साल 3 महीने और 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़कों पर युवाओं का सैलाब इंसाफ मांगने के लिए निकला था और आज जाकर उसका नतीजा निकला है। शुक्रवार सुबह दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद लोगों ने तिहाड़ के बाहर मिठाई भी बांटी। निर्भया की मां आशा देवी ने लंबे समय तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब दोषियों को फांसी दी गई तो उन्होंने ऐलान किया कि 20 मार्च को वो निर्भया दिवस के रूप में मनाएंगी। आशा देवी का कहना है कि वो अब देश की दूसरी बेटियों के लिए लड़ाई भी लड़ेंगी। निर्भया के चारों दोषियों की ओर से आखिरी वक्त तक फांसी को टालने की कोशिश की गई। वकील एपी सिंह ने फांसी के दिन से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में डेथ वारंट को टालने के लिए याचिका दायर की, लेकिन इसमें दोषियों के खिलाफ फैसला आया। आधी रात को वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जब सर्वोच्च अदालत बैठी तो वहां भी निर्भया के दोषी कुछ ऐसी दलील नहीं दे सके जिसकी वजह से ये फांसी टले। हालांकि एपी सिंह लगातार इस फांसी को गलत बताते रहे और मीडिया, अदालत और राजनीति पर आरोप मढ़ते रहे। 16 दिसंबर 2012 की रात को हिंदुस्तान में कोई शख्स नहीं भूल सकता, राजधानी दिल्ली में मुनिरका में 6 लोगों ने चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा से गैंगरेप किया। इस मामले में दरिंदगी की वो सारी हदें पार की गईं जिसे देखकर सुनकर कोई दरिंदा भी दहशत में आ जाए। वारदात के वक्त पीड़िता का दोस्त भी बस में था, दोषियों ने उसके साथ भी मारपीट की थी। इसके बाद युवती और दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया था। पीड़िता का दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उसे सिंगापुर भेजा गया। वहां अस्पताल में इलाज के दौरान 29 दिसंबर को पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। पीड़िता की मां ने बताया था कि वो आखिरी दम तक जीना चाहती थी। निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने की लड़ाई दिल्ली की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक होती रही। अदालती सुनवाइयों के दौरान ही निर्भया के एक दोषी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद भी बाकी के चारों दोषियों ने कई बार कानून दांव पेच खेले, कभी स्थानीय अदालत में याचिका तो कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। कई बार फांसी टली भी, लेकिन आखिरकार शुक्रवार को चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। और भी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूएफटी न्यूज 24। यूएफटी न्यूज 24 को दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में रिपोर्टरों की आवश्यकता है। यदि आप में मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत है तो हमसे जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन में दिया हुआ है। आप हमें अपना नाम, नंबर विद एड्रेस व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8795439853।